वैसे तो हमने जो बताया था कि आपको लैम्डा साइलोथ्रीन जो है 5% वाली जो आती है उसको आप ले लीजिए, लेकिन मैं ले रहा हूँ अल्थ्रामाइसिन 10% EC। अल्थ्रामाइसिन 10% EC जो ऊपर के कीट जैसे गंधी हो गया या टिड्डी दिखाई पड़ रही है या दूसरे कोई कीट हैं रस चूसने वाले, उन सभी को आसानी से कंट्रोल कर लेता। तो ये मेरे पास रखी हुई थी तो अलग से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसकी जो है हम 2 पंप स्प्रे करने जा रहे हैं, वो प्रति पंप हम 20 ml मात्रा एक पंप में डालेंगे, 20 या 25 ml, 25 ml मात्रा एक पंप में डाल करके और 2 पंप में 50 ml मात्रा डाल करके स्प्रे कर देना है। तो वैसे आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी अच्छे से काम करती है, लेकिन कोशिश करें कि लैम्डा सालोथ्रीन ये डालेंगे तो वो उसका थोड़ा लंबे टाइम तक काम करता है। तो ये 25 ml मैंने इसमें डाल ली है और 25 ml मात्रा को मैं एक स्प्रे पंप में डाल दूंगा। 2 स्प्रे पंप से मैं स्प्रे करने वाला हूँ। और आप 1 एकड़ के लिए जो 100 ml मात्रा होती है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, तो 1 एकड़ में डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे खेत में काफ़ी ज़्यादा गंधी और जो टिड्डी लगी हुई, इसलिए थोड़ी मात्रा हमको बढ़ा कर डालनी पड़ रही है। वैसे प्रति पंप आप यदि 15 से 20 ml भी मात्रा लेते हैं तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा, ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं। और मैं इसीलिए ज़्यादा डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है कि मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदी कीट लग चुका है और सबसे ख़तरनाक जो है वो हरी टिड्डी लगी है, इसके कारण मुझे मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ रही है। तो दोस्तों लगभग 20% तक बाली निकल चुकी हैं। अब जो 20% तक बाली निकल चुकी हैं इसमें टिड्डी भी आपको दिखाई पड़ रही होगी, मकड़ी भी दिखाई पड़ रही है और इसके साथ साथ जो है गंधी बग, ये कीट दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें अब हम ये दवा स्प्रे करने जा रहे हैं। शाम का समय हो गया है, थोड़ा लेट हो गए हैं, तो इस टाइम पर स्प्रे कर देंगे जिससे जितने कीट हैं आसानी से मर जाएंगे। पानी भरा है, नहीं तो कोई हम दूसरा भी उपाय करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने कल जो है अल्थ्रामाइसिन 10% की डाली थी और आज हम सुबह देखने आए हैं खेत में, क्या कहीं पर कोई गंधी या कोई कीट दिखाई पड़ रहा है। तो चलने से सीधे पता चल रहा है कि अगर होते कीट अभी जिंदा होते तो वो इधर उधर कूदना चालू कर देते या दिखाई देते, तो किसी तरह का कोई कीट नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस तरह से जो ये पाखी होती है वो नहीं मरी है इससे, और बाकी जो टिड्डी हरी टिड्डी जो मैं दिखा रहा था वो ख़त्म हो चुकी है और गंधी बग भी ख़त्म हो चुका है। तो यही ज़्यादा नुकसान इस टाइम पर पहुंचा रही थी, तो ये दोनों मर चुकी हैं। अब ये जो बाली इस तरह की सफ़ेद दिखाई पड़ती है तो इसमें यही कारण था कि टिड्डी ने इसका पूरा पूरा रस चूस गई है, तो ये ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अब 8 से 10 दिन तक दवा कंट्रोल कर सकती है शायद, लेकिन हो सकता है कुछ कम दिन काम करे, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है कि दवा छिड़कने के बाद में अभी सुबह 3-4 बजे के करीब पानी बरस गया था, तो आप देख सकते हो कि अभी भी इस पे जो है बूंदें पड़ी हुई हैं। लेकिन जैसा कि दवा जो है वो काफ़ी अच्छे से काम कर गई है, तो अब कोई इस चीज़ की दिक्कत भी नहीं है कि हमें दोबारा दवा डालनी पड़ेगी। तो काफ़ी टाइम के बाद बारिश हुई, तब तक दवा अपना काम कर चुकी थी।